इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेपर व्हिच यू हैव अटेंडेड, राइट? इस ट्यूटोरियल्स के लिए जो तुमने पेपर सॉल्व किया था कंपनी लॉ का प्रीलिम्स, उसका पूरा सॉल्यूशन हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, ईच एंड एवरी आंसर इंक्लूडिंग ऑप्शंस, ऑलराइट? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट यू सी ऑन योर स्क्रीन इज अ कमेंट ऑन द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसके अंदर तुम लोग को चार क्वेश्चन मिलेंगे, राइट? इफ यू सी ए बी सी डी, नाउ जनरली दीज आर स्ट्रेट क्वेश्चन, ओके? जनरली दीज आर स्ट्रेट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर वन है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैव टू फोल्ड लायबिलिटी. कैसे टू फोल्ड लायबिलिटी होता है, राइट? टू फोल्ड लायबिलिटी कैसे होता है? टू फोल्ड लायबिलिटी मतलब सी, अगर गारंटी कंपनी हो तो तुमने गारंटी का लायबिलिटी भी लिया हुआ है, प्लस तुमने अगर शेयर्स खरीदे हैं तो शेयर्स का भी पेमेंट करना होता है, ओके? दैट इज द टू फोल्ड लायबिलिटी व्हाट यू हैव, राइट? तो यहाँ पे थियरी में पूरा अपने को आंसर एक्सप्लेन किया गया है. किसी फर्स्ट इज अ गारंटी कंपनी इज अ कंपनी हैविंग लायबिलिटी लिमिटेड मेंबर्स लिमिटेड टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक. तो दिस इज द पॉइंट जो मेन, कि मेंबर्स कितने अमाउंट का गारंटी ले रहे हो, राइट? तो ये यहाँ पे स्ट्रेट आंसर हो जाता है, इसको ज्यादा डिस्कस करने की तो जरूरत है नहीं. एक तो था कि अमाउंट ऑफ गारंटी, दूसरा जो लायबिलिटी आता है कंपनी विथ शेयर कैपिटल का, राइट? गारंटी कंपनी विथ शेयर कैपिटल. देखो यहाँ पे इफ द गारंटी कंपनी हैज शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स हैव टू फोल्ड लायबिलिटी, टू पे द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स एंड सेकेंडली टू पे द अमाउंट ऑफ गारंटी ड्यूरिंग लिक्विडेशन, राइट? तो ये तुमको स्ट्रेट अवे लिखना है. अगर इसके ये देखो तीन पॉइंट तुम लोग एक्सप्लेन करोगे, पहले गारंटी कंपनी का मतलब, कौन सी एसोसिएशन गारंटी में आ सकती है, गारंटी कंपनी विदाउट कैपिटल है तो सिंगल लायबिलिटी होगा, ठीक है? इफ इट इज गारंटी कंपनी विदाउट कैपिटल तो यहाँ पे आता है सिंगल लायबिलिटी, राइट? एंड यहाँ पे आता है टू फोल्ड लायबिलिटी. दैट वाज द स्ट्रेट आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स. अगर ये तीन पॉइंट लिखे तो तुम लोग को पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट? इफ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके? नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज टू बी फाइल्ड इन केस ऑफ री इश्यू ऑफ फोरफीटेड शेयर्स. द आंसर इज नो. री इश्यू में हम लोग फोरफीचर के री इश्यू ऑफ जो होता है फोरफीटेड शेयर्स को जब हम री इश्यू करते हैं तो वी डोंट फाइल द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट. क्यों? क्योंकि एक केस स्टडी आता है कलकत्ता जलान वाला, राइट? वी आर गोइंग टू सी दैट इन द आंसर. अगर केस स्टडी लिखा है तो तुमको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? फॉर दैट यू नीड टू राइट द केस स्टडी. नाउ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट नॉर्मली PAS 3 में फाइल किया होता है. रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट नॉर्मली कौन से फॉर्म में फाइल करते हैं? PAS 3 अगर ये लिखा है तो इसका 1 मार्क हो गया. देन यू नीड टू मेंशन क्या क्या डिटेल्स होगी PAS 3 में, तो ये डिटेल्स के तुमको 2 मार्क मिल जाएंगे, ऑलराइट? एंड ये लास्ट में अगर तुम केस एक्सप्लेन करोगे तो केस का 2 मार्क तुमको मिल जाएगा. दैट इज गोपाल जलान वर्सेज कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज. एज आई सेड, वहाँ पे डिसाइड हुआ था कि नॉर्मली फोरफीचर शेयर्स जब री इश्यू होते हैं तो उनको PAS 3 फाइल करने की जरूरत नहीं होती. वाई? बिकॉज वेन द फोरफीटेड शेयर्स आर री इश्यूड देर इज नो अलॉटमेंट, राइट? तो ये केस तुम लोग ने अगर कोट किया है तो यू विल गेट फुल मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या था? आर्टिकल्स ऑथराइज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन फाइल अ सूट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड इवन इफ द डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर. यस, इन द केस ऑफ ईवलिंग वर्सेज इसराइल एंड ओपनहेमर लिमिटेड, राइट? अगर ये केस कोट किया है एंड तुमने प्रॉपर सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है, राइट? ये भी स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसका आंसर तुमको पूरा मिल जाएगा अगर तुम लोग केस कोट करोगे तो, राइट? तो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज यू विल गेट 5 मार्क्स इफ यू कोट द केस एंड राइट द एक्सप्लेनेशन. इसमें क्या लिखा गया था, ये केस में यही डिसाइड हुआ था कि इवन इफ द डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, राइट, तो तुमको ऐसा नहीं मिला तो तुम फाइल अ सूट अगेंस्ट द कंपनी. क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स में लिखा है. भले ही फिर डिक्लेयर ना हो, अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो तुम्हारा राइट बनता है. फिर डिक्लेयर होना जो कंडीशन था कि डिविडेंड विल ओनली बी पेड इफ इट इज डिक्लेयर, वो कंडीशन हट जाता है, ठीक है? दैट कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल. बट केस कोट करना है ईवलिंग वर्सेस इजराइल एंड ओपनहाइमर लिमिटेड, ओके? एंड द लास्ट क्वेश्चन, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द ROC. द आंसर इज यस, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड, ओके? ROC को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नाउ यहाँ पे तुमको फॉर्म्स कोट करने होंगे, ओके? द फॉर्म इज AOC 4 सेक्शन के साथ. अगर सेक्शन और फॉर्म्स कोट किया है, कंसोलिडेशन रहेगा तो AOC 4 CFS, इसका ही तुमको पूरा 2 मार्क मिल जाएगा फॉर दिस पैराग्राफ ओनली, राइट? देन नेक्स्ट इज अनअडॉप्टेड रहेगा तो क्या करना है उसके रिलेटेड, राइट? रजिस्ट्रार प्रोविजनल रिकॉर्ड करेगा, इसका तुम लोग को 1 मार्क मिल जाएगा प्रोविजनल वाले स्टेटमेंट का. OPC इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, राइट? OPC is not required to file as per the normal conditions, right? Normally, financial statements are filed within 30 days of AGM. ये जो AOC 4 होता है, it must be filed within 30 days, as you can see in the first paragraph. बराबर?
तुमको सॉल्यूशन भी मिल गया होगा, तो तुम लोग ने देखा होगा, अगर नहीं देख रहा तो वीडियो के साथ देखते रहना। ओके, देन ओपीसी के लिए इट इज नॉट 30 डेज, इट इज फ्रॉम 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो अगर ये पॉइंट लिखा तो इसका भी तुमको एक मार्क मिल जाएगा। एंड लास्ट, एजीएम नहीं हुआ तो 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच एजीएम कुड हैव बीन कंडक्टेड, इसका भी तुमको एक मार्क मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये पूरा 5 मार्क्स का बाइफर्केशन हो जाता है। एंड दैट एंड्स योर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज कमेंट ऑन द फॉलोइंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। नाउ 2 में तुम लोग को ऑप्शन मिलने वाला है, या तो 2 करो, राइट, या तो 2A करो। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द आंसर्स फॉर बोथ द क्वेश्चंस। डिफाइन बॉडी कॉर्पोरेट, स्ट्रेट क्वेश्चन है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन लिखना है, डिफाइन किया तो तुमको 3 मार्क मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज चार्ज मस्ट वंस क्रिएटेड मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड इफ नॉट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्सिक्वेंसेस भी स्ट्रेट क्वेश्चन है, देखो ये 3-3 मार्क्स के, ज्यादा कुछ तो है नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम लोग को अपने नोट्स में मिल जाएंगे, राइट। यू राइट दोज पॉइंट्स एंड यू गेट फुल मार्क्स। ओके, देन एग्जाम इन मैटर्स टू बी डिस्क्लोज, क्वेश्चन सी, राइट। एग्जाम इन द मैटर्स टू बी डिस्क्लोज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट व्हेन कंपनी इश्यूज स्वेट इक्विटी शेयर। तो ये भी तुमको पूरा एक लिस्ट याद रखना है कि जब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करती है तो बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मैंशन करनी है। सो इफ यू मैंशन दिस लिस्ट, राइट, वन बाय वन, ये पूरा लिस्ट अगर तुमने मैंशन कर दिया, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, राइट, तो तुमको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगेन दिस इज द स्ट्रेट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी स्ट्रेट, ज्यादा इसमें कुछ केसेस वगैरह आएंगे नहीं। देन कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर, तो अपने को 135 का कंडीशन लिखना पड़ेगा, सेक्शन 135। फॉलोइंग आर द कंपनीज, अगर तुमने ये 3 कंडीशन लिख दिया, दिस पहला नेटवर्थ, टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट, तो तुम्हारा 3 मार्क पक्का, राइट। दीज आर वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन। एंड लास्ट, द डायरेक्टर्स ऑफ ज़िब्रोनिक्स लिमिटेड हैड इश्यूड स्वेट इक्विटी इश्यूज शेयर्स एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स, एग्जामिन। नाउ सेक्शन 53 बोलता है कि शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं दिए जा सकते, लेकिन क्रेडिटर्स को दिए जा सकते अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बराबर। तो अगेन स्ट्रेट क्वेश्चन, सेक्शन कोट करोगे, सेक्शन कोट नहीं किया तो 1 मार्क कटेगा यहाँ पे, क्योंकि 3 मार्क का ही क्वेश्चन है, राइट। सेक्शन 53 बोलता है शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं इश्यू हो सकते, बट शेयर्स में भी इश्यूड टू डिस्काउंट टू द क्रेडिटर्स व्हेन द डेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू रिजोल्यूशन प्लान एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। तो ये स्ट्रेट क्वेश्चंस है, तुम लोग को इसका भी पूरा 3 मार्क मिल जाएगा। तो या तो तुमने ये किया होगा या तो तुम लोग करोगे 2A। ओके, नाउ 2A में क्या बोला है, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर, द आंसर इज नो, ठीक है। हर एक कंपनी को डीआरआर क्रिएट नहीं करना होता, not every company is required to create that, okay। यहाँ पे देखो every listed company, right, इसलिए every company नहीं, if you see the question every company लिखा है, but यहाँ पे answer में only listed company, right, including NBFC and all, उन लोगों को DRR create करना होता है, ठीक है, and invest वगैरह करना होता है, all these points you have to write। अगर ये सारे points लिखे हैं, जैसे कि company में choose any of the following, right, तो इन लोगों को invest या deposit करना होता है at least 15%, जो अगले साल मैच्योर होने वाला है उसका 15% एटलीस्ट इन्वेस्ट करो बाय 30th अप्रैल। अगर ये डेट्स वगैरह सब लिखे हैं, परसेंटेज लिखा है, एंड ये कहाँ डिपॉजिट कर सकते हो, ये 3-4 पॉइंट्स तुम लोग ने लिख दिए, राइट, देन यू गेट फुल 3 मार्क्स। नेक्स्ट, द कंपनी शैल नॉट इश्यू प्रोस्पेक्टस टू मोर देन 500 पर्सन्स। तो लेट अस सी, द डायरेक्टर्स ऑफ सोनी लिमिटेड हैड डिसाइडेड टू मेक ऑफर फॉर डिबेंचर्स टू 750 पर्सन्स इन द अबव केस, इज इट नेसेसरी टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, द आंसर इज येस। क्यों? क्योंकि जब भी 500 से ज्यादा लोग को ऑफर किया गया है तो डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना अनिवार्य है, ठीक है। इट इज कंपल्सरी टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी इफ द ऑफर इज मेड टू मोर देन 500 पर्संस, एंड देन उसके कंडीशंस है, उसका कंसेंट लेना पड़ेगा एंड उसके सारे डिटेल्स को लेटर ऑफ ऑफर में डालना पड़ेगा, ठीक है, राइट। रिटर्न कंसेंट मस्ट ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड। ओके, ये 2-3 पॉइंट लिख दोगे, 500 से ज्यादा लोग के लिए डिबेंचर ट्रस्टी कंपलसरी अपॉइंट होता है, एंड यू गेट फुल 3 मार्क्स। अगेन कुछ भी पॉइंट मिस करोगे तो 1 मार्क कट जाएगा, स्ट्रेट वे याद रखना, ठीक है, बिकॉज इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो सीधा 1-1 मार्क कट जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स, ऑलराइट, सॉरी दैट वाज फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 126 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 126 मतलब डिविडेंड वाला चैप्टर, इसका पॉइंट आता है कि व्हाट विल हैपन अगर तुमने डिविडेंड, सॉरी, शेयर ट्रांसफर का एप्लीकेशन किया हुआ है एंड रजिस्ट्रेशन इज पेंडिंग, ओके, एंड उसके दौरान डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, राइट,
वो मैंडेट दिया होगा तो ट्रांसफरी को मिलेगा, अगर मैंडेट नहीं दिया है तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा। तो ये एक पूरा पैराग्राफ अपने नोट्स में तुमको मिलेगा, अगर ये पैराग्राफ के रिलेटेड सब लिख दिया है तो अगेन यू विल गेट फुल 3 मार्क्स। ओके, स्ट्रेट क्वेश्चन है तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस जो अपने नोट्स में पैराग्राफ दिया है वो अगर तुमने थियोरेटिकली लिख दिया विदाउट मिसिंग द कॉन्सेप्ट, क्या क्या मिस नहीं करना था, मैंडेट दिया होगा तो, एंड अगर मैंडेट नहीं दिया है तो नो मैंडेट, देखो मैंडेट दिया है तो विल बी गिवन टू ट्रांसफरी। ओके सी, अगर मैंडेट है, हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे, डिविडेंड विल बी गिवन टू ट्रांसफरी अगर ट्रांसफरर ने मैंडेट दिया है, अगर मैंडेट नहीं दिया है तो डिविडेंड जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। फर्दर राइट्स एंड बोनस को भी होल्ड करके रखा जा सकता है। इफ यू राइट दिस 3 पॉइंट्स यू विल गेट 3 मार्क्स। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कंडीशंस टू इश्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। तो ये 5 कंडीशन लिख दो, राइट। मेन चीज याद रखना, इसके अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मेंशन होना चाहिए, मतलब तुम्हारे आंसर में, ठीक है। सी, मैं तो सोल्यूशन दे रहा हूँ, ऑथराइज्ड बाय द जनरल मीटिंग, राइट। अभी ऑथराइज्ड बाय जनरल मीटिंग मतलब स्पेशल नहीं लिखा है, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी ही आना चाहिए तुम्हारे आंसर में। ओके, एंड अदर कंडीशंस, इफ अगेन स्ट्रेट क्वेश्चन है, सारे कंडीशन लिख दोगे तो 3 मार्क तुमको मिल जाएंगे, राइट। 6 कंडीशन है तो 6 कंडीशन के हिसाब से 0.5 मार्क फॉर ईच कंडीशन अज्यूम कर लो, ऑलराइट। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म्स, ये सब प्रीफिल, मॉडिफाई एंड प्री स्क्रूटिनी, यू विल फाइंड इट इन दिस चैप्टर नंबर 13, दैट इज MCA 21। तुम्हारे पार्ट ए का चैप्टर नंबर 13 है MCA 21 का, उसके अंदर ये सारे टर्म्स तुमको मिलेंगे। प्रीफिल का मतलब क्या होता है, अगर प्रीफिल को एक्सप्लेन किया तो इसका 1 मार्क मिल जाएगा पूरा, मॉडिफाई को एक्सप्लेन किया इसका 1 मार्क मिल जाएगा, एंड प्री स्क्रूटिनी, राइट, यू ऑल्सो नो वॉट इज प्री स्क्रूटिनी, तो उसका भी तुमको 1 मार्क मिल जाएगा। दिस इज द वे हाउ क्वेश्चन नंबर 2, द इजिएस्ट क्वेश्चन वॉज डिवाइडेड इंटू 5 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच। ओके, नाउ अभी जाते हैं कंपलसरी पार्ट पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 विल बी कंपलसरी एंड दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट ए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 से फिर पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 4 से पार्ट बी स्टार्ट हो रहा है, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल 4 क्वेश्चंस। नाउ लेट अस फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी कॉर्पोरेट कैनॉट बी द मेंबर। ओके, पहला ही क्वेश्चन है, बॉडी कॉर्पोरेट कैनॉट बी द मेंबर ऑफ द कंपनी विच इज इट्स होल्डिंग कंपनी एंड एनी अलॉटमेंट टू द सब्सिडरी कंपनी शैल बी वॉइड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, राइट। तो इसका आंसर भी अपने को दिया है, अपने को पता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी में मेंबर बन सकते हैं, लेकिन एक बॉडी कॉर्पोरेट दूसरे कंपनी में, सॉरी, एक सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। हाँ, लेकिन 3 एक्सेप्शंस भी है, तो वो 3 एक्सेप्शंस भी तुमको लिखने पड़ेंगे। इफ यू सी यहाँ पे एक्सेप्शंस है, देखो, तो एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 3, ओके, एंड ये चौथा एक्सेप्शन नहीं है, दिस इज जस्ट अ कंडीशन। ओके, ये 3 मेन एक्सेप्शंस है यहाँ पे, ऑलराइट। सब्सिडरी होल्ड्स द शेयर एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तुमने सब पढ़ा है, देन ट्रस्टी वाला पॉइंट, एंड लास्ट बिकेम मेंबर बिफोर इट बिकेम सब्सिडरी, राइट। तो ये 3 एक्सेप्शन लिखे होगे, प्लस तुमने लिखा है कि सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट होल्ड द शेयर्स एंड होल्डिंग कंपनी डायरेक्टली अलॉट भी नहीं कर सकता, तो उसमें ये मेन तो तुम लोग को पूरे मार्क्स है ना एक्सेप्शंस के ही मिलने वाले, एक्सेप्शंस के ही 3 मार्क पकड़ लो एंड बाकी थियोरी का तुमको 2 मार्क मिल जाएगा, ऑलराइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी इसका, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ भारत लिमिटेड हैज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उनके पास, क्या है, देखो, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड इन द बैकवर्ड एरिया ऑफ महाराष्ट्र, the board wants to keep its book of account in corporate office in Mumbai, the director seeks your advice about feasibility of maintaining the records at other place, kar sakte hai kya, answer is yes, this can be maintained, okay, this can be maintained, right, now section 130 क्या बोलता है इसका, सेक्शन कोड करने का तुमको 1 मार्क मिल जाएगा, राइट। सेक्शन कोड करो, यू विल स्ट्रेट अवे गेट 1 मार्क फॉर दिस। सेक्शन 130 बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी केप्ट एट अदर प्लेस, सॉरी मैं गलत आंसर पे चला गया, सेक्शन 128 आंसर इज बी, हाँ बी वाला आंसर है वही, 128 बोलता है कि बुक्स ऑफ कंपनी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी केप्ट एट अदर प्लेस, लेकिन जब भी तुम रखोगे तो मेक श्योर यू नीड टू पास बोर्ड रिजोल्यूशन, अगर बोर्ड रिजोल्यूशन वाला पॉइंट लिखा है तो 1 मार्क मिलेगा, सेक्शन का तुमको 1 मार्क मिलेगा, फॉर्म एंड ऑल कोट कर दिया है तो उसका भी 1 मार्क रहेगा,
राइट, कंक्लूजन का एक मार्क रहेगा एंड अदर थियरी का एक मार्क. दिस इज द वे हाउ मार्क्स आर लोकेटेड. ओके, तो AOC 5 तुमको भरना होता है विद इन 7 days. ओके, तो 7 days वगैरह लिखो. AOC 5 इज द फॉर्म. AOC 5 में हम लोग ROC को बोलेंगे कि भाई नो वी आर नॉट कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट आवर रजिस्टर्ड ऑफिस, बट वी आर कीपिंग एट सम अदर प्लेस. जैसे दैट इज महाराष्ट्र के वो बैकवर्ड एरिया में नहीं रखना है, हम लोग मुंबई में रख रहे हैं. ओके, देयरफॉर भारत लिमिटेड इज एम्पावर्ड टू कीप इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई. ओके, बाय फॉलोइंग द अबव प्रोसीजर. The last question. The paid up equity share capital of Sundaram Limited is 45 lakhs. The CEO seeks your advice whether it is possible to reopen the books of company financial statements of previous year. You being the secretary, advise CEO preparing a note in this regard. Right? So, the third one ka answer yahan pe. Section 130 bolta hai, reopening is allowed. Okay? And reopening ke tum log ko ye 5 points likhne padenge. Right? Sabse pehle, company shall not open, reopen unless an application is made. Reopening is allowed, lekin kaise? Application kiya hona chahiye, okay? Application kaun karega? To kuch log. To ye log in the sense central government, income tax authorities, SEBI and all. Agar ye likha hai, to iska pura ek mark aayega. Point number 2 is permitted only in the following reasons. Fraud wagera hai to, ya to mismanagement hai to iska ek mark ho gaya, iska ek mark ho gaya tum log ko. Then, the court और ट्रिब्यूनल एज द केस में वी विल गिव नोटिस टू फॉलोइंग पर्सन. तो ये नोटिस वाले पॉइंट का भी तुमको एक मार्क मिल जाएगा. राइट, लास्ट फोर्थ पॉइंट, अकाउंट सो रिवाइज्ड शुड बी फाइनल. ये पॉइंट लिखा है, इसका भी एक मार्क है. एंड लास्ट फर्दर रिविजन वाला, ये लास्ट कंक्लूजन वाला पार्ट लिखोगे तो इसका भी एक मार्क आ जाएगा. सो यू हैव टू, ये सारे पॉइंट तुम लोग अपने नोट्स में मिलेंगे अगर तुमने सेक्शन 130 अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्चुअली भी अगर लिखा है. राइट, इफ यू आर राइटिंग के पहले एप्लीकेशन किया जाएगा. एप्लीकेशन करने किसको करेंगे? ट्रिब्यूनल या कोर्ट को. ओके, देन दे विल सेंड द नोटिस टू फॉलोइंग अथॉरिटीज. राइट, रीओपनिंग कब किया जा सकता है? अगर फ्रॉड है या मिसमैनेजमेंट है तो देन ट्रिब्यूनल फिर से नोटिस भेजेगा अदर अथॉरिटीज को. पहला नोटिस देखो, कंपनी ने ट्रिब्यूनल को भेजा कि हमको रीओपन करने का. ओके, नॉट कंपनी, सॉरी, इन लोगों ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल, दे सेंड द नोटिस. राइट, कुछ मिसमैनेजमेंट है या फ्रॉड है तो ओपन किया जा सकता है. द कोर्ट और ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस. ओके, अगेन दिस पर्सन्स एंटिटीज. क्यों? क्योंकि अगर कुछ रिप्रेजेंटेशंस वगैरह थे तो रिवाइज्ड क्या है वो बताना पड़ेगा. एंड जो रिकास्ट हुए आफ्टर रिप्रेजेंटेशन द अकाउंट सो रिवाइज विल बी फाइनल. राइट, तो ये सभी चीज तुम लोग लिख दोगे तो तुमको तुम्हारा मार्क्स एलोकेट हो जाएगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट बी. राइट, अब पार्ट बी की अगर बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन, एंड पार्ट बी में भी एक ऑप्शन आएगा. राइट, इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 5 और 5A. राइट, तुम्हारे पास ऑप्शन है, जो ऑप्शन तुमको ठीक लगता है वो तुम फॉलो कर सकते हो. नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड ड्यूरिंग द फॉलोइंग इयर्स एज डिस्क्लोज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. सबसे पहला नेट प्रॉफिट तो अमाउंट इन करोड़ दिया हुआ है, 10 करोड़ 12 करोड़ 8 करोड़. ओके, 13 14 15. The board of director decides to contribute to charitable organization a sum of 3 crore out of net profits. Barabar, the contribution has been made by without seeking approval of board. Right? In light of provisions, examine the validity of contribution made by the company. What will be your answer in case if the board decides to contribute 1 crore only? So, unka 3 saal ka profit diya hua hai, unko 3 crore rupaya charity mein dalna hai. To tu kar sakte ke nahi kar sakte, uska answer do board resolution ke through. एंड दूसरा, 1 करोड़ करेंगे तो तुम्हारा आंसर क्या होगा. राइट, तो सेक्शन 181 बोलता है, कंट्रीब्यूशन टू बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड्स. तुम लोग कर सकते हो अप टू 5%. राइट, याद रखना, अगर 5% कोट किया है ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 years, तो जैसे कि एवरेज नेट प्रॉफिट इन द गिवन केस इज 10 crores, तो 10 crores का 5% इज 50 lakhs. तो 50 lakhs तक तुम लोग बोर्ड रिजोल्यूशन लेके पास कर सकते हो. राइट, तो सी, इमीडिएटली वुड नीड मेंबर्स अप्रूवल मोर देन 50 lakhs, हेंस बोर्ड इज नॉट एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन फॉर इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs. तो बोर्ड्स डिसीजन इज इनवैलिड. क्यों? क्योंकि बोर्ड ने क्या डिसाइड किया था, 3 करोड़ करना. 3 करोड़ कर सकते क्या? नहीं, दे कैन ओनली डू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट. अभी एवरेज नेट प्रॉफिट निकालने के लिए देखो, 10, 12 और 8 का तीनों का टोटल लेना पड़ेगा. राइट, हाउ एवरेज कम्स इज यू टेक 10 प्लस 12 प्लस 8 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 10. तो 10 करोड़ आया, ये रहा 10 करोड़. एंड 10 करोड़ का 5% विल बी 50 लैक्स.
तो 50 लाख तक बोर्ड रेजोल्यूशन चलेगा, बियॉन्ड तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, दैट इज व्हाई द डिसीजन ऑफ डायरेक्टर इज इनवैलिड। एंड विल योर आंसर चेंज इन केस ऑफ 1 करोड़? नो, अगर 1 करोड़ करना है तो भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, राइट right? तो ये पूरा अगर केस तुम लोग एक्सप्लेन करोगे विद सॉल्यूशन यू विल गेट 5 मार्क्स, ओके पूरा। इसमें देखो थियरी मैटर नहीं करता, सेक्शन वगैरह कोट कर दो, ये 5% ऑन ऑल कॉन्सेप्ट लिख दो एंड देन कैलकुलेशन बता दो, राइट right? तो अभी देखो तुम लोग 10 करोड़ डायरेक्टली भी लिख सकते हो और अगर चाहो तो मैथमेटिकली सॉल्व करके भी बता सकते हो, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि 10 करोड़ है। अभी वी आर नॉट किड्स के एवरेज निकाल के बताएंगे ये वो, ये कोई अकाउंट्स या मैथ्स या कोई प्रैक्टिकल पेपर नहीं है, ठीक है चले राइट। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The directors of Zydus Pharma Limited appoints Mr. Raj Malhotra as a director under section 161 subsection 1 by passing resolution by circulation. The appointee now seeks your advice for the tenure of his appointment, right? 161 subsection 1, okay? So, dekho. Additional director ka point, agar tum sabse pehle pakadna hai, toh 161.1 talks about additional director, okay? Such additional director who will hold office up to when? Up to the नेक्स्ट एजीएम ओनली। तो अगर ये नेक्स्ट एजीएम तक का लिखा है तो इसका तुम लोग को 1 मार्क मिल जाएगा। व्हेन द एजीएम इज नॉट हेल्ड द पर्सन विल वेकेट द ऑफिस ऑन द लास्ट डे ऑन विच एजीएम कुड हैव बीन हेल्ड। केस है यहाँ पे कृष्णा प्रसाद इलानिया वर्सेस कोलाबा लैंड मिल्स, राइट। अगर ये केस के साथ तुमने लिख दिया तो इसका तुमको 2 मार्क मिल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे छोटा सी आंसर इज स्मॉल, तो बाइफर्केशन वुड बी इन दिस मैनर। प्रोविजन का तुमको मिलेगा 2 मार्क एंड केस का तुमको 2 मार्क मिल जाएगा एंड कंक्लूजन का 1 मार्क मिल जाएगा। It may be noted that person who gets failed to get appointed यहाँ पे cannot be appointed as additional director, right? तो advice था तो यहाँ पे conclusion तो आने नहीं वाला। तो जो भी तुम लोग advice दे रहे हो, right? उस advice का तुम लोग को पूरा पूरा marks मिल जाएगा, ठीक है? Now आगे जाते question C पे। 4 board meetings were held in a year. Examine, was there any? Were they accordance with the provisions of act? Now, इसमें तुम लोगों को board meeting याद होना चाहिए। हर एक quarter में एक board meeting होना चाहिए and the gap between 2 meetings should not be more than 120 days. ये 2 point तुमको याद आने चाहिए। एक के हर quarter में एक meeting होना चाहिए, board meeting, and the gap between 2 successive meetings या consecutive meetings should not be more than 120 days. ये तुमको याद आना चाहिए, okay? तो see the answer. Section 173 of Companies Act, section code किया, 1 mark मिल जाएगा straight away. Provides that first board meeting should be done within 30 days. Thereafter, there should be at least 4 board meetings in every year, not more than 120 days. So, ये provision हो गया. Secretarial standard क्या बोलता है कि हर एक quarter में एक board meeting होना चाहिए and the gap between 2 meetings should not be more than 120 days. Here in case, no board meeting has been conducted in third quarter of the year. Therefore, the company has committed default. Okay, third quarter कैसे अभी पता चला? तो see the question. देखो, first quarter will be जनवरी फरवरी मार्च, ओके फर्स्ट क्वार्टर हो गया तो ये सेकंड जनवरी आ गया, अप्रैल मई जून सेकंड क्वार्टर तो मई में हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर में तो मीटिंग ही नहीं हुआ, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज द लास्ट क्वार्टर, तो देखो उसमें 2 हो गया तो 4 तो लिया लेकिन थर्ड क्वार्टर में मिसिंग था। 10 मई के बाद जून जुलाई अगस्त सॉरी जनवरी फरवरी मार्च इज द फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून इज द सेकंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर इज द थर्ड क्वार्टर। तो जुलाई से लेके सितंबर में क्या एक भी बोर्ड मीटिंग हुआ है? नहीं हुआ है। दैट मींस थर्ड बोर्ड मीटिंग नहीं हुआ, थर्ड क्वार्टर में बोर्ड मीटिंग नहीं हुआ, वहीं पे डिफॉल्ट हो गया। फिर वो 120 डेज तो नेचुरली डिफॉल्ट हो जाएगा क्योंकि मई के बाद सीधा अक्टूबर लिया ना, तो वैसे अगर एक डिफॉल्ट हुआ तो दूसरा भी डिफॉल्ट होने ही वाला है। तो दैट इज व्हाई यहां पे डिफॉल्ट है, वो तुमने बताया कि भाई हियर इन द गिवन केस नो बोर्ड मीटिंग वाज हेल्ड, राइट। तो यहां पे बाइफर्केशन किस तरह होगा, इस ये पैराग्राफ का 2 मार्क, इसका 2 एंड लास्ट कंक्लूजन का 1 मार्क, राइट। Next, last question. The company wants to appoint alternate director, right? Examine the validity. Okay, सबसे पहला 1, 2, 3. There are 3 marks. और marks भी दिया, पहले का 1 mark, दूसरे का 1 mark, तीसरे का sorry, दूसरे का 2, तीसरे का 2. B is the director who is absent for 2.5 months. Appoint कर सकते हो? नहीं, क्योंकि 3 महीना होना चाहिए. Then E is a director absent for 4 months. It proposed F as the alternate director in place of E. F is already acting as alternate director in A limited for G. कर सकता है क्या? नहीं, नॉट अलाउड, क्योंकि अगर तुम एक बंदा ऑलरेडी किसी का अल्टरनेट बन चुका है इन द सेम कंपनी तो तू उसमें नहीं बन सकता। तो पहले दोनों आंसर होंगे नो, ओके
सी नॉट लेस देन 3 मंथ्स होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट, 3 मंथ्स वाला कंडीशन। देन एफ कैन नॉट बी अपॉइंटेड बिकॉज ही इज ऑलरेडी एक्टिंग एज अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर जी, तो अगेन दोनों का नॉट अलाउड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैन द सेड अल्टरनेट डायरेक्टर्स बी रीअपॉइंटेड? नो, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट खाली डायरेक्टर को लगता है, अल्टरनेट डायरेक्टर को नहीं लगता। तो ये तीनों तुम करो तो इसका एक मिल जाएगा, इसका दो मिल जाएगा, इसका दो मिल जाएगा राइट। ये थे 4 क्वेश्चंस। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 5 आएगा जिसमें ऑप्शन है आइदर यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 और यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5A। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सी बोर्ड मीटिंग ऑफ लिस्टेड पब्लिक कंपनी वांट्स टू कॉल शॉर्टर नोटिस पे राइट, नन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कुड अटेंड द मीटिंग। याद है, शॉर्टर नोटिस पे अगर मीटिंग रखना है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है देन नोटिस मस्ट बी सच, सॉरी नॉट नोटिस बट द डिसीजन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर ये सब लिखा है तो तुम्हारा आंसर राइट है राइट। नाउ खाली मार्किंग स्कीम देखना है, 4 मार्क्स के हिसाब से तुमको कितना मार्क्स मिलेगा ठीक है। सी सबसे पहला, पर्सुअंट टू सेक्शन 173 अ मीटिंग ऑफ बोर्ड शैल बी कॉल्ड नॉट लेस देन 7 डेज, 7 दिन का नोटिस देना होता है, लेकिन शॉर्टर नोटिस पे दे रहे हो कोई बात नहीं, कैन बी डन प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट। फर्दर इन केस ऑफ एबसेंट डायरेक्टर्स फ्रॉम सच मीटिंग डिसीजन शैल बी टेकन एंड सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड शैल बी फाइनल इफ रेटिफिकेशन इज मेड बाय एटलीस्ट वन डायरेक्टर। ये लिख दो पूरा तो तुमको 4 मार्क्स इजीली मिल जाएगा राइट। कंक्लूजन देना है, एंस इन द गिवन केस। ओके, एंस इन द गिवन केस द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज टू बी प्रेजेंट। नाउ केस इन द सेंस कोई कंपनी वमनी तो दिया नहीं है, तो कंक्लूजन नहीं भी लिखा होगा तो चलेगा, लिख भी दोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ टाइफून लिमिटेड डिजायर्स टू कंडक्ट अ जनरल मीटिंग फॉर डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑन व्हिच द रिजोल्यूशंस विल बी पास्ड, एडवाइस देम। क्या मेंबर्स सबसे पहले जनरल मीटिंग कॉल करवा सकते हैं? यस, अंडर सेक्शन 100 ईजीएम कैन बी कॉल्ड बाय द मेंबर्स, दे विल मेक अ रिक्वेस्ट टू द डायरेक्टर्स रिक्विजिशन एंड बेस्ड ऑन रिक्विजिशन द डायरेक्टर्स विल कॉल द मीटिंग, इफ दे डोंट कॉल देन अलग सीन हो जाएगा, वो देखेंगे पूरा। तो सबसे पहले तो बोर्ड ईजीएम बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर्स, तो कितने लोग रिक्वेस्ट कर सकते, तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में कितने लोग होने चाहिए, कंपनी हैविंग नॉट शेयर कैपिटल में, दोनों में 1/10 1/10 है, ये लिखा होना चाहिए राइट। जब भी नोटिस जाएगा तो टाइम पीरियड मेंशन किया होना चाहिए राइट, 21 दिन में कॉल हो जाना चाहिए, 45 डेज में कंडक्ट होना चाहिए। अगर कॉल कंडक्ट लिखा है तो उसका भी तुमको एक मार्क मिलेगा यहाँ पे ठीक है। सबसे पहला ये दो कंडीशन, विद कैपिटल विदाउट कैपिटल का एक मार्क, कॉल कंडक्ट वाले का तुमको एक मार्क मिलेगा ठीक है, दैट इज 21 एंड 45 डेज लिखा है उसका एक मार्क आ जाएगा राइट। एंड अगर वॉट इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्स, तो ये लास्ट वाले पॉइंट का 2 मार्क, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्स तो विद इन 3 मंथ्स खुद रिक्विजिशन करने वाले लोग ईजीएम रख सकते हैं। अगर ये 3 पॉइंट तुमने लिखे तो तुमको 4 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे राइट। हियर द रिक्विजिशनिस्ट शैल कन्वीन द मीटिंग, ये भी एक एडिशनल पॉइंट है, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट सम अदर प्लेस राइट। फर्दर ईजीएम शैल बी हेल्ड ऑन एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे, ये ईजीएम देखो नॉर्मली ईजीएम कभी भी हो सकता है, लेकिन ये वाला ईजीएम नेशनल हॉलीडे पे नहीं चलेगा ठीक है, ये लिखा है तो इसके 4 मार्क्स तुमको पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, मिस ज्योति इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वाइज इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा, तो ये डेटा है, ऑथराइज कैपिटल ये वो सब दिया हुआ है ठीक है। देन ड्यू टू लॉसेस द कंपनी इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे रेम्यूनरेशन टू मिसेस ज्योति एज अ एग्रीमेंट सर्विस इन केस लॉस ऑफ एडिक्वेसी शी इज पेड द रेम्यूनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो अभी तुमको इफेक्टिव कैपिटल वगैरह पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये तुम्हारा बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 17 से, दैट इज केएमपी एंड रेम्यूनरेशन राइट, यस इट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 17, तो ये पहले तो तुमको आंसर लिखना पड़ेगा राइट, विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना, अगर लिमिट के ऊपर देना है तो, लेकिन लॉस हुआ है तो इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से, अगर तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव या लेस देन 5 करोड़ है तो 60 लाख्स राइट, देन 5 करोड़ से 100 करोड़ है तो 84, 100 करोड़ बट 250 तो 120 एंड 250 एंड अबाव तो 120 प्लस 0.01%, ये सब लिखा होना चाहिए, इसका तुमको मिल जाएगा पूरा 2 1 मार्क यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कंडीशन का, इसका 1 मार्क मिल जाएगा तुम लोगों को। देन आगे ये अप्रूवल एंड ऑल सब लिखा है, शेड्यूल 5 उसका 1 मार्क मिल जाएगा। हियर मिसेस ज्योति अकॉर्डिंगली कैन बी पेड 84 लाख्स, अभी 84 लाख्स कैसे आया, क्यों, क्योंकि उसका इफेक्टिव कैपिटल चेक करना पड़ेगा राइट, तो इफेक्टिव कैपिटल तुमको कैलकुलेट करने आना चाहिए ओके।
देखो यहाँ पे ब्रैकेट में भी दिया हुआ है, ओके, तो 100 प्लस 20 120, 120 प्लस 40 इज 160, 160 माइनस 20 इज 120, 120 प्लस 40 इज 160, तो इट इज नॉट एक्सीडिंग 250 करोड़। सॉरी ऑथराइज्ड, आई मेड अ मिस्टेक, ऑथराइज्ड इज नॉट गोइंग टू बी एडेड, दिस ऑथराइज्ड एड अप मैंने समझा, ऑथराइज कैपिटल ऐड नहीं होगा, ओके, इट इज जस्ट अ लिमिट, राइट। तो यहाँ पे 100 करोड़ के ऊपर भी नहीं ज्यादा, 20 करोड़ प्लस 40 करोड़ इज 60, 60 प्लस 40 इज 100, 100 माइनस 20 इज 80 करोड़, राइट, तो 80 करोड़ ही है, तो एज इट इज नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़, तो 84 लाख्स विल बी द इफेक्टिव कैपिटल। अगर ये लिखा है तो तुमको पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा, राइट। ऊपर हमने बायफर्केशन दिया, यस 1 1, एंड दिस इज द लास्ट थर्ड वन। इसमें मेक श्योर इफ यू शो कैलकुलेशन तो भी चलेगा, राइट, यू कैन शो द कैलकुलेशन एज वेल, लेकिन कैलकुलेशन तुम्हें पता होना चाहिए, ओरली कर दोगे तो चलेगा, लेकिन कभी कभी अपने नोट्स में देखना, मैंने पूरा कैलकुलेशन दिया, क्या चीज़ें ऐड होगी, क्या चीज़ें लेस होगी। अभी क्वेश्चन में जो लेस करना है ना वो तो दिया ही नहीं, देर इज नो पॉइंट जो डिडक्ट होगा। हाँ यस, प्रॉफिट एंड लॉस नेगेटिव बैलेंस है वो माइनस कर देंगे, बट नॉर्मली ऐसा कुछ दूसरा कंडीशन नहीं दिया जो माइनस होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टर कैन एक्ट एज अ मैक्सिमम 20 कंपनीज, स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर तुमको सभी की गाइडलाइंस करने हैं, राइट, तो सभी गाइडलाइंस तुमको अपने नोट्स में मिल जाएंगे। ना ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नॉर्मली 20 कंपनी का तुम बन सकते हो, लेकिन उसमें पब्लिक कंपनी 10 ही अलाउड है, राइट, आउट ऑफ 20 कंपनी तुम सिर्फ 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, मतलब अगर तुम 10 पब्लिक में डायरेक्टर बन गए, ओके, तो फिर तुम सिर्फ 10 प्राइवेट में ही बन सकते हो, और अगर 0 पब्लिक है तो 20 प्राइवेट कंपनी में बन सकते हो, राइट। अल्टरनेट डायरेक्टरशिप विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड, एंड अगर तुम डायरेक्टर हो सेक्शन 8 कंपनी के तो इट विल नॉट बी काउंटेड, सेक्शन 8 कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी, दिस कैलकुलेशन विल नॉट बी काउंटेड, ऑलराइट। देन ये तो पूरा इसका तुम लोग को एक मार्क मिल जाएगा, ठीक है, ये इतना बड़ा पैर, दिस आंसर इज बिट लेंदी, तो ये लिखोगे तो खाली इसका एक मार्क मिलेगा, एंड ये सारे सेबी नोटिफिकेशन लिखने पड़ेंगे तुम लोग को जो अपने नोट्स में दिए हुए हैं, तो ये सारे सेबी नोटिफिकेशन लिखोगे तो इसके पूरे तुम लोग को 3 मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रेफरिंग टू द फॉलोइंग प्रोविजंस, ओके, सबसे पहला द कंपनी विशेस टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ मीटिंग हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नॉट अलाउड, द आंसर इज नो, पहला वाला नो है। ड्यू टू अर्जेंसी कंपनी वॉन्ट्स टू गेट प्रोस्पेक्टस अप्रूव थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगेन नो, ये सारे मैटर है जो अप्रूव नहीं हो सकते, राइट। वॉट आर द अदर मैटर्स, राइट, तो अदर मैटर्स बता दो, तो वो तो इंक्लूड नहीं हो सकते, अदर मैटर्स में बोर्ड रिपोर्ट है, राइट, देन ऑडिट कमिटी मीटिंग्स है, एंड मर्जर अमालगमेशन के रिलेटेड डिसीजन, तो ये 3 लिख दो, तुमको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, 1 1 2, ओके। नाउ ये थे क्वेश्चन नंबर 5, और अगर तुमने इसको सॉल्व नहीं किया तो तुमने 5A सॉल्व किया होगा, राइट, अगेन जिसका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, दस करोड़, 12 करोड़, 8 करोड़, राइट, तो तुमको इसका एवरेज निकालना है, एवरेज निकाल के contribution to amount was 1 crore, then also the company would require obtain prior approval, okay, ठीक है। Then question number 2, Zydus Pharma Limited wants to appoint Raj Malhotra, तो Raj Malhotra को appoint Raj Malhotra, right, Zydus Pharma Limited appoints Raj Malhotra under section 161, तो additional director का ऐसे एक question हमने ऊपर भी discuss किया था, तो it is going to be the same one, right? Question section 117 को अभी explain करना है, point question number 3 में, explain the provisions of section 117. It provides that every resolution under an agreement in respect, it is nothing but the matters to be filed with the ROC in form MGT 14. तो तुमको MGT 14 के बारे में बताया within 30 days, इसका तुम लोगों को एक मार्क मिल जाएगा, and what are the other documents? तो अभी ये बहुत बड़ा लिस्ट है, देखो मैं तो पूरा comprehensive list दूंगा, but तुम लोगों को कम से कम at least 4 answers, 4 points यहाँ पे याद होने चाहिए, which are the 4 documents, including special resolution. All special resolution हो गया, A से लेके यहाँ पे H तक है.
इसमें से कोई भी चार लिखे होंगे तो भी तुमको बाकी के तीन मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, एटलीस्ट मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन के अलावा और चार, सो टोटल पांच, एनी फाइव लिखोगे तो तुमको रिमेनिंग थ्री मार्क्स यू विल इजीली गेट इट, ओके। ड्राफ्ट एंड एप्रोप्रिएट रिजोल्यूशन टू बोरो, तो रिजोल्यूशन ड्राफ्ट किया अभी इसको तो तुम लोगों को फॉर्मेट में लिखना है, अगर बेसिक्स भी लिखा है जैसे कि रिजोल्व दैट एंड ऑल दैट तो इसमें मार्क्स काटेंगे नहीं, बिकॉज सी ड्राफ्टिंग अ रिजोल्यूशन इज समथिंग प्रैक्टिकल थिंग, प्रैक्टिकली कंसिडर किया जाता है, स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो दिस लैंग्वेज, बट फिर भी अगर तुमने रफली किया है जैसे कि रिजोल्व दैट लिखा, प्रोविजंस लिख दिए, सेक्शंस लिख दिया, देन रिजोल्व फर्दर दैट करके एक पैराग्राफ बना दिया, राइट, तो ये बेसिक्स कंडीशन भी तुमने फॉलो की रहेगी तो भी इसके तुम लोगों को आराम से 3-4 मार्क्स उन लोग दे देंगे, बिकॉज इवन दे नो कि दिस इज नॉट डन एट अ स्टूडेंट लेवल, ये प्रैक्टिकल लेवल पे किया जाता है रिजोल्यूशन ड्राफ्टिंग एंड ऑल, तो 3-4 मार्क्स दे विल गिव यू इजीली, पूरा भी दे सकते हैं, नहीं दिया तो तीन भी देंगे, बिकॉज दे वुड थिंक नहीं कोई भी स्टूडेंट परफेक्टली रिजोल्यूशन तो ड्राफ्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए उन लोग एक मार्क काट देते हैं। वॉट दे एक्सपेक्ट इज वर्ड टू वर्ड, बट ऐसा वर्ड टू वर्ड पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ड्राफ्ट एंड रिजोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रिज्म लिमिटेड, Prism Limited has 500 equity shareholders, general meeting rakha. A was the only shareholder who attended the meeting. However, there were 7 other equity shareholders who are proxies. He took the chair, conducted the meeting, passed by resolution. क्या resolution valid है? ये अपने को पूछा गया है. अभी 500 है तो quorum कितना होना चाहिए, right? आज का quorum होना चाहिए. तो पहले quorum लिख दो. अगर if the member is not more than 1000, 1000 to 5000 and more than 5000. तो 5, 15, 30 ये कोरम तुमने लिख दिया, इसका तुमको मिल जाएगा 2 मार्क, राइट। एंड लास्ट फाइनली तुमको कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स मस्ट बी प्रेजेंट, राइट, टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कोरम, इवन प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड इन द कोरम, हेंस मीटिंग एंड रिजोल्यूशन इज इनवैलिड बिकॉज सिंगल मेंबर कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम, क्यों सिंगल मेंबर, क्योंकि देखो एक ही बैठा था ना यहाँ पे, देखो देयर ए वॉज द ओनली शेयर होल्डर, if you see second line mein a was the only shareholder and baki 7 were proxies, proxies are not counted in the quorum, to dekha jaye to ek hi banda baitha hai, to kya single member constitute kar sakta hai meeting, nahi, okay, yahan pe apna part bhi hota hai khatam, and part c ke khali 2 questions aayenge for 5 marks each, every time you will get true, smriti mehta is a practicing cs and wo interested thi by 12% and usne apna opinion share kiya, normally 25% tak chalta hai, is he guilty of misconduct, the answer is no, let us see what is the answer, say she has same in extent of 12% of shares in the firm, 12% of shares usne hold karke rakhe, now let us see kya hai, dekho sabse pehle clause likhna padega, clause 4 ye tumhara misconduct wale chapter ka part hai, agar tumne clause likha hai to ho gaya, excess pe opinion in which she is a partner or firm has substantial interest, okay, this clause generally that professional has to be independent, expressing the opinion independent hona chahiye, right, he should not have any substantial interest in the business of the firm that would conflict, expressing her opinion without appropriate disclosures would be permitted, however under new clause there is total ban on expressing the opinion on the report about any business in which he or she is interested, right, substantial interest used in the clause is not limited to financial interest only, okay, the substantial interest under regulation 168 has been defined interest to the extent of 25%, right, the same guidelines relevant if the business of enterprise does not have share capital, a sports club which may be company limited by guarantee, the question whether PCS has substantial interest would be the question of fact, based on the above conditions Smriti Mehta is guilty of misconduct, actually it should be not guilty, yahan pe not miss ho gaya, okay, 25% tak substantial interest consider kiya jata hai, she is holding just 12%, so Smriti Mehta is not guilty, okay, Section 21, last answer है, what would be the substantive disciplinary mechanism? Disciplinary mechanism में तुमको लिखना है board of discipline के बारे में, disciplinary directorate के बारे में, right? See, disciplinary committee आ गया, ये disciplinary directorate पहला point होता है, ये रहा under section 21, तो अगर ये लिखा है, right? उसको कौन head करेगा, वो सारी चीजें लिख दो, क्या काम करता है वो, जैसे कि वो matter decide करते हैं कि ये schedule 1 में जाना चाहिए शेड्यूल 2 में जाना चाहिए, शेड्यूल 1 का बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास जाएगा, शेड्यूल 2 का रहेगा मिसकंडक्ट तो
डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाएगा, अगर दोनों का रहा तो भी डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी आंसर है, इसका तुम लोग को इस तरह मार्क्स मिलेगा, इसका फर्स्ट वन का एक मिलेगा तुम लोग को बोर्ड ऑफ डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के बारे में, दिस विल हैव वन मार्क्स, एंड ये दोनों का दो दो मिलेगा अगर तुमने पूरा लिखा है तो। ऑलराइट, दिस ब्रिंग्स एन एंड टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपनी लॉ प्रीलियम पेपर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।